हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल हमने 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ के ख़त्म किया है और आज जानेंगे हम कि पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएँ घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 10 टॉपिक देखेंगे, तो आइए चलते हैं और देखते हैं पहली टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, पहली टॉपिक एक रिसर्च आया है हिंदी भाषा के ऊपर। तो विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है हिंदी भाषा। किसके द्वारा ये किया गया है? एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। पहले नंबर पे अगर आपसे पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये पर्टिकुलर इस रिपोर्ट के अनुसार है। किस रिपोर्ट के अनुसार? एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी विश्व में प्रथम स्थान पे है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद सेकंड प्लेस पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में चीनी भाषा है, चाइनीज सेकंड प्लेस पे है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया, ये जरूर ध्यान रखिएगा किसके द्वारा है। एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ये क्रम तय किया गया है, जिसमें हिंदी तीसरे स्थान पर है, अंग्रेजी पहले स्थान पर है और चाइना दूसरे स्थान पे है, तो जिसको हम चीनी भाषा कहते हैं। तो ये तीनों भाषाओं का क्रम हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, इसरो चर्चा में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है और वो चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? तो संचार उपग्रह इसने लॉन्च किया है जिसका नाम है CMS-01। तो फ्रेंड्स, CMS-01 संचार उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसरो ने की है। इसरो का फुल फॉर्म आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, और उसने एक संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब हम देखते हैं इसरो से संबंधित ट्रेडिशनल पक्षों को कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, उसका मुख्यालय क्या है और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है। तो अक्सर यहाँ से किसी न किसी संस्था के स्थापना से क्वेश्चन आता है या फिर उसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु है कहाँ पे? कर्नाटका में। तो फ्रेंड्स, कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे प्लेस का स्थान पूछता है तो बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और वर्तमान में उसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष आपके के सिवान है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। स्थापना मतलब इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं के सिवान। करंट की दृष्टि से क्यों चर्चा में है? तो करंट की दृष्टि से इसीलिए चर्चा में है कि इसरो के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया गया है, जो कि एक संचार उपग्रह है। तो चर्चा में इसलिए है। इसरो का फुल फॉर्म आपने जान ही लिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो है ADB। पहले ये जान लीजिए ADB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में करंट की दृष्टि से इसलिए है कि विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है। अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रेंड्स, विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत किया गया है ADB के द्वारा, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब हम करंट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था वो तो हमने पढ़ लिया, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वर्तमान में इसके CEO या अध्यक्ष कौन है। तो चूंकि मैंने बताया कि जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ से सवाल आता ही आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ONDE एग्जाम हो, चाहे PCS स्तर का एग्जाम हो, संस्थाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप जान लीजिए ADB की स्थापना 1966 अर्थात 1966 में ADB इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कि बनाया गया था। मुख्यालय इसका मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। तो मनीला में इसका मुख्यालय है और आप सबको पता होगा मनीला में ही
विश्व चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में कि विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स मनीला में ही विश्व चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम इसके अध्यक्ष की कि वर्तमान में ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेंड्स वर्तमान में इसके अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। ये सारे चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अध्यक्ष पूछा जा चुका है कि मात्सुगु अस्कावा किसके अध्यक्ष हैं, तो ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। ये सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तो फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ADB चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सिस फैसिलिटी की शुरुआत की गई किसके द्वारा, ADB के द्वारा। ADB का फुल फॉर्म हमने जाना एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय इसका मनीला में है जहां पे विश्व चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ये सवाल भी काफी हिट है और पूछा गया है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की तो मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स ये तीन टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज करंट अफेयर्स में चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है पहले ये जान लीजिए। फ्रेंड्स महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है कि महाशरद मंच की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछता है कि महाशरद मंच की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, आपको ऑप्शन देगा महाराष्ट्र के द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, कर्नाटका के द्वारा की गई है या तमिलनाडु के द्वारा। ये चार ऑप्शन आपको मिलेगा और इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। महाशरद मंच याद करने का तरीका, ट्रिक याद कर लीजिए, महाशरद में क्या आ रहा है, महा आ रहा है, और महाराष्ट्र में क्या आ रहा है, महा आ रहा है। तो जहां आपको महाशरद दिखे और योजना के बारे में पूछे कि कहां शुरू की गई है, तो उसका सही जवाब महाराष्ट्र लगा दीजिए, क्योंकि महा महाराष्ट्र में भी आ रहा है और महा इस योजना में जुड़ा हुआ है कि महाशरद मंच की शुरुआत कहां की गई थी। अब महाशरद जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स महाशरद का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट। तो ये जो महा लिखा है MHASHARAD, ठीक है, तो महाशरद इंग्लिश में लिखा गया है अगर, तो इसका फुल फॉर्म होगा महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। योजना याद करने की ट्रिक मैंने बताई कि महाशरद में महा जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये राज्य का नाम महाराष्ट्र ही होगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसको कन्फ्यूज नहीं करना कि किस राज्य ने महाशरद मंच की शुरुआत की थी, इसका सही जवाब महाराष्ट्र ही होगा। कहाँ से पता चलेगा, महा से पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमने करंट की बात की महाराष्ट्र से संबंधित। अब अगर योजना जो महाशरद मंच की शुरुआत की गई है ये भी जान लीजिए किस लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की गई है। किसके लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो ये योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। अब हम महाराष्ट्र से संबंधित जो अन्य पक्ष हैं, जो अन्य तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे सवाल पूछे कि खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य का नाम क्या है और आपको चार ऑप्शन दे दे, महाराष्ट्र दे दे या फिर यूपी दे दे, कर्नाटका दे दे या कोई अन्य कंट्री जम्मू कश्मीर दे दे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, आप सबको पता होगा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें से एक प्रमुख कारण सरकार के द्वारा पराली जलाना भी बताया गया था। किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है वो भी एक कारण बताया गया था, लेकिन जो सिगरेट का धुआं होता है उससे भी स्मॉग बनता है और ये आसमान में जाके बादलों के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। तो इस वजह से खुली सिगरेट की बिक्री पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाया गया, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा था। इसके अलावा अगर हम अन्य तथ्यों पे बात करते हैं तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। पहली बात तो ये है कि लोनार झील की लोकेशन पूछता है कि लोनार झील स्थित कहाँ पे है, तो ये लोनार झील जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और हाल ही में लोनार झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया, रामसर साइट्स में, मतलब आर्द्र भूमियों में रखा गया लोनार झील को। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में अगर हम और बात करें तो महाराष्ट्र का जो एक शहर है महत्वपूर्ण मुंबई, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं, तो ये सवाल पूछता कभी कभी कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। तो फ्रेंड्स मुंबई जो आपका है ये सॉलसेट द्वीप पर स्थित है, सॉलसेट द्वीप। तो मुंबई आपका सॉलसेट द्वीप पे स्थित है। तो फ्रेंड्स हमने महाराष्ट्र में करंट की दृष्टि से ये पढ़ा कि महाशरद मंच की शुरुआत कहाँ की गई, महाराष्ट्र में की गई। याद करने का ट्रिक भी बताया कि महाशरद में महा आया है और महाराष्ट्र में भी महा है, तो इसलिए अगर राज्य पूछे कभी तो आप महाराष्ट्र टिक करिएगा। किसके लिए शुरू किया गया, विकलांगों के लिए शुरू किया गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया है, महाराष्ट्र ने लगाया। क्यों लगाया है, प्रदूषण के बढ़ते कारणों के कारण। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का
पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में वर्तमान में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो विराट कोहली। विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, तो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में उनको शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। अब बात यहाँ पे आ गई है आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म जानना, उसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आईसीसी का मुख्यालय फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, 99 में। इसके अलावा अगर इसके हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके सीईओ मनु साहनी हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी हैं। तो हमने करंट की दृष्टि से ये पढ़ा कि विराट कोहली वर्तमान में आईसीसी ओडीआई मतलब क्या होता है, वन डे इंटरनेशनल। अगर कहीं पे आपको ओडीआई लिखा है तो ओडीआई का मतलब होता है वन डे और आई से होता है इंटरनेशनल। तो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में सीरीज पर विराट कोहली है। फिर हमने आईसीसी के बारे में पढ़ा कि फुल फॉर्म उसका होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय उसका दुबई में है और वर्तमान में उसके सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है। तो फ्रेंड्स, ये पांच टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, कर्नाटक चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, कर्नाटक के सीएम ने भूश्री एंड भूमित्र का अनावरण किया है। ये भूश्री और भूमित्र है क्या, पहले ये जान लीजिए। भूश्री जी है, जो भूश्री है वो खाद बनाने के लिए है, तो खाद बनाने के लिए भूश्री है, और भूमित्र किसके लिए है, मृदा परीक्षण के लिए। मित्र से मतलब परीक्षण का होता है, तो मृदा परीक्षण, भूमित्र मृदा परीक्षण के लिए है, भूश्री खाद बनाने के लिए। ये पूछ लेगा आपको मिलाने के लिए भूश्री किससे संबंधित है, खाद बनाने के लिए। भूमित्र किससे संबंधित है, मृदा परीक्षण किया जाता है कि एनपीके का जो अनुपात है वो अपने सही अनुपात 4:3:2 में है या नहीं है। तो एनपीके का अनुपात चेक करने के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। नाइट्रोजन, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, तो उसको चेक किया जाता है मृदा परीक्षण के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा। इसके अलावा कर्नाटक का एक और अगर तथ्य हम देखें तो पक्षगण नृत्य वहां का यक्षगण नृत्य है। तो यक्षगण नृत्य अगर एग्जाम में पूछे कि यक्षगण नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटका से संबंधित है यक्षगण नृत्य। ओके फ्रेंड्स, तो आज करंट अफेयर्स में हमने 6 टॉपिक पढ़ लिया है, बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का हमने 6 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ के खत्म कर लिया है, बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। आज करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक बिल गेट्स चर्चा में है, जो कि फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, आप सबको पता होगा। तो बिल गेट्स को TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है, जो कि फाउंडर हैं, सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। यह अवार्ड एक जूरी के माध्यम से दिया गया है, और उस जूरी का गठन किसने किया था, तो उस जूरी का गठन एन नारायण मूर्ति ने किया था। ओके फ्रेंड्स, तो एन आर नारायण मूर्ति ने उस जूरी का गठन किया था, जिसने ये डिसाइड किया है कि TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा, बिल गेट्स को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, बेलग्रेड। बेलग्रेड क्यों चर्चा में, सर्बिया की राजधानी है लेकिन चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है कहाँ पे, बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, तो फ्रेंड्स बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू हो रहा है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। ओके फ्रेंड्स, अगर वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो अन्ना ब्रानविक वहां के राष्ट्रपति हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बायजू कंपनी के साथ समझौता किया है। आपसे पूछ सकता है कि NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो बायजूज कंपनी के साथ
NSDC ने समझौता किया, किसके लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, बायजूज कंपनी के साथ समझौता किया है। अगर हम बात करें NSDC की तो NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बायजूज कंपनी के साथ समझौता किया है। बात करें NSDC की तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अगर हम देखें इसकी स्थापना कब हुई थी तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। NSDC का मुख्यालय कहाँ, न्यू दिल्ली में, स्थापना 2008 में हुई थी। MD और CEO कौन है तो मनीष कुमार उसके MD और CEO हैं। अब बात आई बायजू की, तो बायजू की स्थापना अगर हम देखें तो 2011 में बायजूज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 2011 में। और मुख्यालय उसका कहाँ पे है, मुख्यालय उसका बेंगलुरु में है। तो फ्रेंड्स बायजू की स्थापना की गई थी कब, 2011 में, मुख्यालय है उसका बेंगलुरु में। तो ये तो रहा आज करंट अफेयर्स का नवा महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज करंट अफेयर्स का 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग जारी की गई है। तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, सेकंड स्थान मिला है। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान उसमें दूसरा है। इसके अलावा पहले स्थान पर चिली है और दूसरे स्थान पर इस रैंकिंग में कौन है, सॉरी, तो फ्रेंड्स दूसरे पे भारत है और थर्ड पे ब्राजील है। ओके फ्रेंड्स, तो तीसरे स्थान पे ब्राजील है, पहले पे चिली है और दूसरे पे भारत है इस रैंकिंग के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए, हमने पूरा का पूरा नवंबर माह करंट अफेयर्स आपको कराया हुआ है। दिसंबर का करंट अफेयर्स आपकी आज 16वीं क्लास हो गई है, 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हमने आपको कवर कराया। और पर डे का करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार तरीके से करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हुए, अन्य तथ्यों को देखते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर्स की और पर डे का करंट अफेयर्स 10 टॉपिक बहुत मामूली बात होती है फ्रेंड्स। तो 10 टॉपिक आप नोट करते हुए चलिए, जो बहुत बड़ी समस्या होती है करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता। अगर नहीं तैयार होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर तैयार नहीं हो रहा। और अगर आपको फायदा होता मेरे करंट अफेयर्स से तो भी कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा चैनल पहुँचाइए ताकि लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और फ्री में करंट अफेयर्स इस ढंग से कि ट्रेडिशनल और करंट का जो मिक्सअप लेके मैं चल रहा हूं उससे अपनी तैयारी को और धार दे सकें। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपकी तैयारी में जो सहायता कर सकता हूं वो करूं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेता हूं, कल फिर 17 दिसंबर करंट अफेयर्स लेके सुबह 8 बजे मैं आप सबके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।